हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुकिंग। आज हम एक नई रेसिपी के साथ आए हैं। पनीर सभी बहुत पसंद करते हैं। आज हम पनीर भुर्जी बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने 200 ग्राम के करीब पनीर ले लिया, जिसको मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया है। साथ में मैंने एक मीडियम साइज चॉप किया हुआ अनियन, टमाटर, हरे मटर, धनिया, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, हल्दी, रेड चिली पाउडर, मैंगो पाउडर, गरम मसाला, सॉल्ट और 1 टीस्पून जीरा, एक हरी मिर्च और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक। अब हम पनीर भुर्जी बनाना शुरू करते हैं। मैंने हीट को मीडियम से हाई पर ऑन कर दिया है। अब हम पैन में कुकिंग ऑयल ऐड कर देते हैं और इसको गर्म होने देते हैं। ऑयल हीट हो गया है। अब हम इसमें जीरा ऐड कर देते हैं, साथ में बारीक कटा हुआ अदरक और इसको हल्का सा रोस्ट करते हैं और चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देते हैं और इसको हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन हुआ है। अब हम इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर देते हैं, साथ में इसमें मटर ऐड कर देते हैं। इसमें मैंने फ्रोजन मटर लिए हैं, तो इनको पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं इनको पहले ऐड कर रही हूँ प्याज में। इनको अच्छी तरह से हिला देते हैं। अब हम इनको 1-2 मिनट और पका लेते हैं। प्याज और मटर पक गए हैं। अब देखें, इसमें प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं इसमें। साथ में इसमें हल्दी, इसमें मैंने 1 छोटी चम्मच हल्दी ली है और 2 छोटी चम्मच सॉल्ट। आप सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब हम इसको उतनी देर तक पकाएंगे जितनी देर तक हमने टमाटर डाला है वो भी पूरी तरह से इसमें पक न जाए। अब देखें, इसमें टमाटर पूरी तरह से घुल गया है। अब हम इसमें पनीर ऐड कर देते हैं और हीट को हम हाई से मीडियम पे कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। पनीर भुर्जी ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करते हैं, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर और साथ में आधी छोटी चम्मच मैंगो पाउडर, जो ऑप्शनल है, आप डालना चाहते डाल सकते हैं, नहीं तो हटा भी सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और मीडियम हीट पर 2 मिनट तक इसको हम पका लेते हैं। पनीर भुर्जी बनकर तैयार है। अब हम हीट को बंद कर देते हैं और इसके ऊपर हम धनिया डाल देते हैं, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। पनीर भुर्जी बनकर तैयार है। ये बहुत ही कम समय में इजीली बन जाती है। आप इसको ऐसे ही घर पे बनाएं एज अ साइड डिश, नान, रोटी या पूरी के साथ सर्व करें। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।